इंसानों को ये बात याद रखनी बेहद जरूरी है कि धरती पर केवल वो ही नहीं है जो अपने बच्चे की देखभाल, रक्षा और पोषण के लिए जी जान लगा देते हैं, बल्कि जानवरों के साम्राज्य में भी ऐसी माताएं मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पूरी मेहनत से पालती हैं, उन्हें शिकार करना सिखाती हैं और अपने दुश्मन शिकारियों से बचने की ट्रेनिंग भी देती हैं। अपने अंदर मातृत्व की भावना समेटे इन्हीं माताओं के चलते जीवों का वंश आगे बढ़ता है। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम की उन माताओं पर नजर डालेंगे जो अपने युवा बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह रखती हैं। गोरिल्लास। इंसान और गोरिल्ला का 98% डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसे में गोरिल्ला का इस लिस्ट में शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं। मादा गोरिल्ला सकारात्मक तौर पर इंसानी माँ के समान ही होती है। इंसानों की तरह गोरिल्लास अपना पूरा जीवन बच्चों के साथ परिवार के रूप में बंधे होते हैं और एक साथ रहते हैं। गोरिल्ला के बेबीज 9 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले वे अपनी माँ की पीठ पर सवार होकर हर समय एक साथ रहते हैं। इस प्रजाति की मादाएं अपने युवा बच्चों को लेकर बेहद पॉजेसिव होती हैं। वो किसी शिकारी को अपने बेबीज के पास फटकने तक नहीं देती, यहाँ तक कि मुश्किल घड़ी में खुद की जान खतरे में डालकर अपने बेबीज को बचाती हैं। एलिफेंट। दुनिया में एक नए जीवन को लाने की भावना अलग ही होती है, खासतौर पर जब कोई जीव दुनिया के सबसे बड़े बेबीज को जन्म दे रहा हो। अफ्रीकन एलिफेंट न केवल पृथ्वी के सबसे बड़े शिशुओं को जन्म देती है, बल्कि इसके बेबीज एलिफेंट का औसतन वजन 200 पाउंड तक का होता है और इस माँ को 22 महीने की गर्भावस्था भी झेलनी पड़ती है। इतने कष्ट झेलने के बाद भी इस जीव का प्रेम अपने बच्चे के प्रति कहीं ज्यादा होता है। हाथी माँ अक्सर बच्चे हाथी की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। झुंड में रहने वाले ये जीव हालांकि जिम्मेदारियां बांटकर काम करते हैं, लेकिन एक बेबी को बड़ा करने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाथी माँ हमेशा अपने बच्चों के करीब रहती है और उनके दूर भटक जाने पर कहीं ना कहीं से उन्हें वापस ढूंढ कर लाती है। मादा हाथी अपने बच्चे की तरफ इस तरह समर्पित होती है कि ये उसे नहलाती है, पालती है और जीवित रहने के कौशल सिखाती है। अगर शिशु के 2 वर्ष की आयु में पहुंचने से पहले एक हाथी माँ की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में झुंड की दूसरी मादाएं बेबी हाथी का ख्याल रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद बेबी का बच पाना नामुमकिन होता है। हाथी के बच्चे अपनी माँ के साथ औसतन 16 साल तक रहते हैं। ऐसे में माँ के बिना एनिमल किंगडम में सर्वाइव करना एलिफेंट बेबी के बस की बात नहीं होती। ईस्ट ग्रे कंगारू। मार्सुपियल फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले ईस्ट ग्रे कंगारू ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखने को मिलते हैं। ग्रेट ग्रे कंगारू और फॉरेस्टर कंगारू के नाम से मशहूर ये जीव आमतौर पर गर्मी के मौसम में बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी देखभाल की तरफ पूरी तरह समर्पित होते हैं। इस प्रजाति की मादा कंगारू की खासियत ये होती है कि ये हमेशा प्रेग्नेंट रहती है। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद दोबारा गर्भ धारण कर लेती है और अपने हिसाब से प्रेगनेंसी को फ्रीज कर लेती है। हालांकि कंगारू मादाएं एक बारी में 2 बेबीज को पाल सकती हैं, लेकिन ये आमतौर पर केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं और उसे 9 महीने तक अपने पाउच में रखती हैं। एक बार बेबी के बड़े हो जाने पर ये अपने दूसरे बेबी को दुनिया में लाती है और उसके भरण पोषण पर काफी ध्यान देती है। कंगारू के बच्चे 1 साल बाद पाउच से बाहर आना शुरू करते हैं, लेकिन 550 दिनों तक बच्चे भोजन के लिए पूरी तरह माँ पर निर्भर रहते हैं। जहाँ मादा कंगारू को बड़े होने 15 से 18 महीने का वक्त लगता है, वहीं नर कंगारू को मैच्योर होने में 25 महीने का समय लगता है। इतने लंबे समय तक माँ पर निर्भर रहने के बाद मादा कंगारू बच्चों को स्वतंत्र कर देती है। मादा कंगारू में बच्चों को लेकर ऐसा समर्पण कमाल का है। लायन। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए सुरक्षात्मक होती है, लेकिन कोई भी माँ शेरनी जितनी खौफनाक और ताकतवर नहीं होती। जब बात बच्चे की सुरक्षा की आती है तो शेरनी किसी को नहीं छोड़ती। एक शेरनी माँ अधिकतर समय झुंड से अलग अपने बच्चों के साथ बिताती है और लायन कब भी अपनी सभी जरूरतों के लिए माँ पर ही निर्भर रहता है। ये जीव 2 साल तक अपने बच्चों को अपनी ममता की छाव में रखती है, लेकिन एक बार मैच्योर हो जाने पर शेर के बच्चे अपना शिकार खुद कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें माँ के साथ की जरूरत नहीं होती। 5 महीने के होने पर बच्चे स्वयं ही माँ का दामन त्याग देते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। वर्जीनिया ऑपोसम। मेक्सिको में पाया जाने वाला वर्जीनिया ऑपोसम को लोग नॉर्थ अमेरिकन ऑपोसम के नाम से भी जानते हैं। फरवरी से मार्च के महीने में बच्चों को जन्म देने वाली ये माँ एक बार में 20 से 30 बेबीज को जन्म देती है, लेकिन दुख की बात है कि इस जीव के केवल 13 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि ऑपोसम के पास केवल 13 स्तन होते हैं जिनमें से 13 बच्चों को अटैच कर पाती है और उनके पाउच में इतनी जगह नहीं होती कि 30 बच्चों को पाउच में फिट कर पाए। ऐसी स्थिति में केवल 13 बच्चों को ही बचा पाना ऑपोसम के हाथ में होता है। क्योंकि बच्चे बेहद ही छोटे होते हैं, इसलिए ऑपोसम उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ऑपोसम के बेबीज लगभग 3 महीने तक पूरी तरह माँ पर निर्भर रहते हैं। इस अवधि में मादा ऑपोसम अपने बच्चों को पाउच में कैरी करती है और उनकी रखवाली करती है। 5 महीने
महीने के होने पर बच्चे स्वयं ही माँ का दामन त्याग देते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय और कब सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी में से एक है। यहां जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है और जिसे एस्टैब्लिश हुए 30 इयर्स हो चुके हैं विद 10 लाख कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देते हैं, जो आपको बताता है कब क्या बाय करना है, कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, और ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। ये ऐप में एड्यूमो है, मतलब एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड प्रॉफिट्स एंड यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, एंड बहुत से नए फीचर है जो आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 के डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर एंड लैपटॉप दोनों से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुरंत उस पर क्लिक कीजिए एंड अपना नेम, फोन नंबर, सिटी डालो और अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करो। हॉर्नबिल। बाकी पक्षियों से बेहद ही अनोखी दिखने वाली हॉर्नबिल एक सुरक्षित घोंसले का निर्माण करने के लिए जानी जाती है। अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाली इस प्रजाति की मादा पक्षी कीचड़, फल और दूसरी चीजों के साथ एक पेड़ के खोखले हिस्से में खुद को सील कर लेती है। इसका ऐसा व्यवहार बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए होता है। ये चिड़िया घोंसले में एक छोटा सा छेद छोड़ती है, जिससे कि नर पक्षी माँ और बेबीज के लिए भोजन देता है। कुछ हॉर्नबिल मॉम दीवार से बाहर में निकल जाती हैं और कुछ समय के लिए बेबी को सुरक्षित रखने के लिए दीवार का पुनर्निर्माण करती हैं। एक बार बेबीज के थोड़ा सा बड़े होने पर माँ और बच्चे दोनों घोंसले से बाहर आ जाते हैं और घोंसले को नष्ट कर देते हैं। पक्षी का ये परिवार साथ रहना पसंद करता है, इसलिए माँ के साथ साथ बच्चे की परवरिश में नर हॉर्नबिल का भी उतना ही सहयोग होता है। एलिगेटर। एनिमल किंगडम के ये विशालकाय जीव जितने खतरनाक होते हैं उतने ही शानदार पेरेंट्स होते हैं। मगरमच्छ अपने बच्चों को लेकर काफी पॉजेसिव स्वभाव के होते हैं। बच्चे देने के लिए ये जीव पानी के पास मौजूद दलदल जैसी जगह को चुनते हैं और वहीं घोंसला बनाकर बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चे देने के लिए ये जीव पानी के पास मौजूद दलदल जैसी जगह को चुनती है और वहीं घोंसला बनाकर बच्चों को जन्म देती है। जन्म के बाद से ही मादा मगरमच्छ बच्चों को अपने साथ ही रखती है, जब तक कि वो खुद का शिकार करने के लिए मैच्योर नहीं हो जाते। मादा मगरमच्छ किसी शिकारी को अपने बच्चों के करीब फटकने नहीं देती। एक साल तक मादा मगरमच्छ बच्चे के भोजन से लेकर सभी जरूरतों का ख्याल रखती है और बेबीज को तैरने से लेकर शिकार करने तक सभी कला सिखाती है। जब तक बच्चा पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक मादा मगरमच्छ बच्चों को जमीनी सतह पर ही बड़ा करती है और पानी में उतरने के लिए उन्हें अपने जबड़े या पीठ पर बैठा लेती है। बच्चे के माँ से दूर होने पर अगर कोई खतरा होता है तो एलिगेटर बेबीज अपनी माँ को आगाह कर देते हैं, जिसके बाद ये खूंखार माँ शिकारी का काम तमाम कर देती है और बच्चों को अपने जबड़े में सुरक्षित कर लेती है। हैमर कॉप। 3 या 4 महीने के दौरान ये अफ्रीकी पक्षी हर दिन कुछ घंटे काम करते हैं और अपने बच्चे के लिए विशाल घोंसले का निर्माण करते हैं। ये अफ्रीकी पक्षी परिवार की तरह ही रहती हैं, जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर घोंसले को बनाने में समान योगदान देते हैं। जहां नर हैमरकॉप घोंसले के लिए सामग्री को इकट्ठा करता है, वहीं मादा हैमरकॉप एक सुरक्षित घोंसले का निर्माण करती है। एक बार घोंसले के तैयार होने पर इन्हें कीचड़ से ढक दिया जाता है ताकि शिकारी की नजर इस पर ना पड़े। हैरानी की बात है कि हैमरकॉप के जोड़े साल में 5 से 7 घोंसले का निर्माण करते हैं, फिर चाहे वो प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम दें या ना दें। एक बार अंडे देने के बाद दोनों जोड़े बारी बारी से अंडों का ख्याल रखते हैं और 1 महीने बाद अंडे से बच्चे निकल भी जाते हैं। इसके बाद मादा हैमरकॉप बच्चों को 5 से 6 महीने के लिए घोंसलों में रखती है और रात को भोजन लेकर बेबीज के पास लौटती है। मादा हैमरकॉप घोंसले में अपने बच्चों की सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखती है। 2 महीने बाद जब बच्चे अपना भोजन खोजने में मैच्योर हो जाते हैं तो खुद ही घोंसला त्याग कर देते हैं। पोलर बियर। अंटार्कटिक और आर्कटिक जैसे ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले पोलर बियर जितने प्यारे होते हैं उतना ही प्यारा इस जीव का अपने बेबी से रिश्ता होता है। आर्कटिक रीजन की इस सिंगल माँ को बच्चों को जन्म देने के लिए अपने शरीर के वजन का दोगुना होना होता है, जिसके बाद कई महीने तक ये भोजन नहीं करती। दरअसल इस अवधि में पोलर बियर माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के 2 महीने बाद तक बच्चों के साथ अंडरग्राउंड रहती है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी इस जीव का संघर्ष खत्म नहीं होता।
क्योंकि इसे भोजन की तलाश में बच्चों को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। बच्चों को ढोने का यह संघर्ष 2 साल तक चलता है, जिसके बाद बियर बेबीज खुद को पालने के लिए पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि ममता केवल इंसानों में हो, एनिमल किंगडम भी हमारी प्रकृति का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें मातृत्व की भावना कहीं ज्यादा होती है। इस लिस्ट में बताए गए सभी जीव अपने बच्चों को पालने के लिए एक बड़ा संघर्ष करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जीव अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जीव दुनिया की सबसे बेहतर माताएं हैं और भगवान ऐसी माँ हर किसी को दे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से सबसे प्यारी माँ कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।